शहर हो या गांव, देश में महिलाओं के खिलाफ साइबर क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। सोशल मीडिया पर फ्रेंडशिप के जरिए लड़कियों और महिलाओं को निशाना बनाया जाता है। आम तौर पर महिलाएं साइबर क्राइम की घटनाओं को सामने लाने से बचती हैं, जिसकी वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के आगर मालवा की पुलिस ने एक अभियान चलाया है। महिला पुलिस की टीम गांवों में जाकर लड़कियों और महिलाओं को साइबर क्राइम से बचने की ट्रेनिंग दे रही है। डिजिटल दौर में बहुत कुछ तेजी से बदल रहा है। मोबाइल पर दुनिया सिमट गई है, दोस्ती भी ऑनलाइन हो गई है, लेकिन इस दोस्ती में धोखा भी होता है, खासकर लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ। कभी उनकी तस्वीरों से छेड़छाड़ करके, तो कभी फेक आईडी वाले प्रोफाइल से। इसी धोखाधड़ी से आगाह करने के लिए पुलिस भी लोगों को अलर्ट करती है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में ये वर्कशॉप इसी मकसद से हो रही है। महिला पुलिस कर्मियों की टीम गांव की लड़कियों और महिलाओं को साइबर क्राइम से बचने के गुर सिखा रही है। साइबर रिलेटेड बहुत सारे क्राइम ऐसे होते हैं जिसमें अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस ना होने के कारण बच्चे गलतियां करते हैं, लिंक क्लिक कर देते हैं, पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, डर जाते हैं कुछ गलती करने पर। तो इसी अवेयरनेस को हम लोग उनमें डाल रहे हैं कि आप अवेयर रहें और ऐसी गलती ना करें। साथ ही साथ कुछ ऐसे अपराध हैं जो कि आसपास आपके आस पड़ोस में रहते हैं, लेकिन हम चूंकि अलर्ट नहीं रहते और उन अपराधों को समझ नहीं पाते, तो कैसे आप उन अपराधों को समझ सकते हो और कैसे दूसरों की मदद कर सकते हो, इसके तहत भी हम लोग उनको जागरूक कर रहे हैं। और चूंकि बच्चियाँ बच्चे इन अभियान का हिस्सा होते हैं, तो ये बच्चे न्यू, मतलब जो पीढ़ी है, ये न्यू पीढ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल होती है, तो वो जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आगे अपडेट रहते हुए, जागरूक रहते हुए, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, वो हम इन लोगों को सिखाना चाह रहे हैं। उन्होंने हाई सेकेंडरी की लड़कियों को और मिडिल की लड़कियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, बेड टच गुड टच के बारे में और साइबर क्राइम के बारे में, और अपनी स्वयं की सुरक्षा किस प्रकार से करें, किसी अनजान व्यक्ति से संपर्क न करें और किसी को अपनी OTP न दें, इस प्रकार की बहुत सारी जनरल जानकारियां दी मैडम ने। कलेक्टर महोदय और SP महोदय द्वारा एक अरुणिमा प्रोग्राम जारी किया गया है। इसके तहत, इस अभियान के तहत हम लोग गांव और जो नगर के बच्चे हैं उनको जाकर समझा रहे हैं कि कैसे आजकल जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है उनसे कैसे बचा जा सकता है, आपको क्या क्या अवेयरनेस रखनी चाहिए, क्या क्या बच्चों के साथ में प्रॉब्लम्स आती है। अगर वो अपने माता पिता, अपने टीचर से शेयर नहीं कर पा रहे तो वो डायरेक्ट हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हमने आंगनवाड़ी महिलाओं और जो गांव में स्तर पर कार्यरत महिलाएं, उनको भी इस अभियान से जोड़ा है और उन्हें भी हमने अवेयरनेस के रूप में ये सारी चीजें सिखाई हैं कि कैसे आप जो आजकल साइबर क्राइम है और महिला संबंधी जो भी क्राइम हो रहे हैं उनसे आप कैसे बच सकते हैं और कैसे इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं और कैसे हमारी मदद ले सकते हैं। अगर कोई लड़का घुसता है तो हम उसको फिर से घूरना चाहिए, तब तक उसकी नजर झुक ना जाए। हमने अभी तनोड़िया, पिपलौन, आगर शहर में 3-4 जगह प्रोग्राम कर लिए और आगे भी कंटिन्यू हमारे प्रोग्राम जारी हैं। इसमें हम
हर ट्राई कर रहे हैं कि हर जो आगर जिले में आने वाला गांव है उसको कवर कर पाएं, और प्रत्येक नुक्कड़ पे जाके हम लोग नुक्कड़ प्रोग्राम के तहत ये अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में जानकारी दे पाएं। मैम ने हमें आज बहुत ज्यादा इम्प्रूव करा। आपके लिए कोई भी किसी भी फील्ड में अगर आप जाओ तो ऐसा मत सोचो कि ये फील्ड छोटी है या बड़ी। छेड़खानी के मुकदमे हुए या ऐसे मुकदमे हुए तो वो अब रिपोर्ट के लिए आते हैं कि ये चीज़ें हम पुलिस तक पहुंचा सकते हैं, ये सही है। या कोई बच्ची के साथ में किसी तरीके का ऐसा अपराध होता है तो बच्ची अब बिना डरे आगे हमें बता पाती है कि ये चीज़ घटित हुई है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोग पॉजिटिव, मतलब हम लोगों को रिस्पांस मिला है कि अपराध अगर बढ़ भी रहे हैं तो कम से कम हमारे पास में रिपोर्ट हो रही है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ग्राफ कम भी होता जा रहा है। सबसे पहले तो खुद को सचेत करो और साथ में दो लोगों को और सचेत करो, उससे भी बोलो कि वो और आगे लोगों को सचेत करें, अपने फैमिलीज को बताओ वगैरह, इस टाइप से सारी फैमिली वगैरह और जितने भी हम लोगों को जानते सबको सचेत करना फर्स्ट। तो फिर खुद उस फिल्म पे जितना हम कर सकते हैं उसके उस चीज के लिए उसे उसको बताओ, और जितना हम उस साइबर क्राइम को कम कर सकते करो, पुलिस वगैरह को जितनी अगर हम हेल्प कर सकते हो तो करनी चाहिए। साइबर क्राइम यानी कि मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराधों को लेकर आगर की पुलिस महिला विंग ने एक बीड़ा उठाया है, और वो जगह जगह जाकर गांव में चौपाल कर रही है, स्कूलों में लड़कों को समझा रही है और किस तरह से साइबर क्राइम से बचना चाहिए उसके गुर सिखा रही है। इसका सीधा सीधा असर जमीन पर दिखाई दे रहा है, जो अपराध का ग्राफ है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। कई बार आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट सिर्फ आपके लिए ही नहीं, उन लोगों के लिए भी बड़ा मौका बन जाता है जिनको आप नहीं जानते। उत्तर प्रदेश में महादलित समुदाय के लिए काम करने वाली रीटा कौशिक के साथ भी ऐसा ही हुआ। रीटा को बचपन में पिता ने गरीबी और रूढ़िवादी सोच की वजह से पढ़ाने से मना कर दिया, लेकिन एक टीचर ने रीटा को मुफ्त पढ़ाकर उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। आज रीटा कौशिक महादलित समुदाय की महिलाओं और लड़कियों के लिए उम्मीद की किरण बन गई है। उनकी कोशिशों की वजह से उन बस्तियों में भी लड़कियां स्कूल जा रही हैं, जिन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि वो स्कूल का चेहरा भी देख पाएंगी। मेरा जन्म जो हुआ था वो एक दलित परिवार में हुआ था, और मैं जब अपने गांव में पढ़ने के लिए गई तो मैं पहली लड़की ऐसी थी जिसने पढ़ने के लिए अपने पेरेंट्स से बात किया कि मुझे भी पढ़ना है। मेरे दो भाई थे और दोनों भाइयों को मैं लेके स्कूल जाया करती थी, तो मेरे पेरेंट्स सिर्फ मुझे बच्चों को हेल्प के लिए, केयर के लिए मुझे भेजते थे। एक साल बाद ऐसा दौर आया जब हमको स्कूल में, हमारे दोनों भाइयों को स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए दूसरे स्कूल में जाना पड़ा। उस समय जब हम अपने भाइयों को दाखिला दिला के वापस लौट रहे थे, तब मेरे उस टीचर ने पूछा कि ये किसकी लड़की है, तो फादर ने बोला मेरी ही लड़की है। तब उन्होंने कहा कि
इसे नहीं पढ़ाएंगे? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं इन्हें नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हमारे गांव में लड़कियों को पढ़ने का चलन नहीं है। तो शिक्षक ने बोला कि नहीं, मेरे यहाँ लड़कियों को पढ़ाने का चलन है और आप इसको पढ़ाइए, इसको हम बिना फीस के पढ़ाएंगे। दो लड़कों के साथ एक लड़की को मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। तो मेरी पढ़ाई वहाँ से शुरू हुई। सबसे पहले हमने 2004 में काम शुरू किया तो देखा कि मुसहर जाति की जो महिलाएं हैं और जो लड़कियां हैं वो सबसे ज़्यादा वंचित हैं और उनको सबसे ज़्यादा जो उनके रेप के केसेस, मारपीट के केसेस और हिंसा के केसेस सामने आते थे क्योंकि इनको एक वस्तु की तरह सारे लोग इस्तेमाल करते थे। इनके सामने बहुत सारी दिक्कतें थी, रोजगार की दिक्कत थी, पढ़ाई को लेकर के सबसे ज़्यादा स्कूलों से वंचित थी बच्चियाँ थी। बच्चियों को सबसे ज़्यादा सोचते थे लोग कि ये तो एक लड़की है, इसको शादी करके और इसको तो दूसरे के घर भेजना है, इसलिए इनको पढ़ाने से क्या फ़ायदा है। इनको बहुत समझाते बुझाते तो ये लड़कियां अब स्कूल में जाना शुरू कर दी हैं। जो औरतें हैं इनके ऊपर भी हिंसा बहुत होती थी क्योंकि ये औरतें जाती थी दूसरों के खेत में, इनके पास खेत नहीं है तो दूसरों के खेत में मजदूरी करने जाती थी और जब मजदूरी के लिए अपनी मजदूरी मांगती थी या किसी तरह के और भी चीज़ों के लिए जब ये डिमांड करती थी तो जो दूसरे लोग होते थे उनको लगता था अरे ये डिमांड कर रही है, इसकी इतनी हिम्मत, अब ये डिमांड करने लगी है, तो इस पर भी मारपीट और भी यौनिक हिंसाएं इनके साथ प्रॉपर होती रही हैं। महिलाओं के यहाँ पर दिक्कतें थी, वो 16 साल 15 साल में जो बच्चियाँ थी उनकी शादी लोग बाल विवाह कर दिया करते थे। जब हमने चाइल्ड लाइन शुरू किया यहाँ पे इस जिले में तब से बहुत बारीकी से हमने चाइल्ड मैरिज को आइडेंटिफाई किया और किस तरह से कैसे कहाँ से लोग आते हैं चाइल्ड मैरिज के लिए। यहाँ पे खरीद फरोख भी होता है, बाहर से राजस्थान के स्टेट से लोग आके यहाँ से बच्चियाँ खरीद के लेके जाते हैं। तो ऐसे केसेस जब हम लोग को 10-9-8 पे आया तो फिर हमने उसको देखा और पुलिस को संपर्क किया, जिले पे संपर्क किया, एक उनको लेटर बनाया और डीएम को दिया और उनसे पुलिस फोर्स मांगी। फिर उस गांव में गए हम लोग, रेस्क्यू किए उस बच्ची को, फिर थाने लेके आया गया और फिर उसको उसके पेरेंट्स को बुलाया गया, क्यों शादी हो रही है, कैसे हो रही है, कितने में शादी ये तय हुई है, कितना लाख रुपए वो दे रहा है उसका पेरेंट, ये सारी चीज़ें जानने के बाद फिर उस लड़की की वो शादी वहाँ रुकी और फिर जो लोग थे आए हुए थे वो राजस्थान से वो फिर भाग गए। अगर हम किसी प्रोजेक्ट को इनके साथ सिर्फ इन्हीं के साथ कर रहे हैं तो वो सफल नहीं हो पाता है क्योंकि ये यूनाइट नहीं होते हैं, एक साथ एक जगह इकट्ठा नहीं होते हैं, बात को अनसुना कर देते हैं और बहुत सारे ऐसे भी चैलेंजेज है जब इनको इनके लिए हम बात करने जाते हैं तो हमारे ऊपर भी खतरे मंडराते हैं। जैसे हमने एक कुछ समय पहले जो पीडीएस है उसके लिए आवाज़ उठाई थी, मनरेगा के लिए उठाई थी आवाज़, हमारे वॉलंटियर्स को धमकी दिया गया कि तुम्हें काट के फेंक देंगे अगर इनके लिए तुम और भी आगे बढ़े लड़ाई लड़ने के लिए। तो ये इस तरह के चैलेंजेस आज भी है कि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनके साथ ये फेस करना पड़ता है कि उनको फोन पे धमकी मिलती है, उनको मिल के रास्ते में धमकी मिलती है, तो ये चैलेंजेस अभी भी हैं। क्या बनना है? डॉक्टर। वाह, बहुत अच्छा। पीता मैडम की वजह से हम भी हैं, हम भी कुछ नहीं जानते थे, हम भी उसी तरह एक सिंपल आदमी थे, पढ़ाई करते थे। रीता मैडम हमारे घर आई, बताई, बहुत अच्छी थी, समझाई शिक्षा के बारे में और उसके बाद रीता मैडम के साथ मिलकर हम लोग काम, उनके पूरा गांव को लोग पूरा लोग समझते, कुशीनगर पूरा लोग जानते हैं यहाँ का, जिस काम में मुसरपट्टी में चले जाते हैं मुसर बस्ती में सभी लोग खाने पीने के अछुआ अच्छे थे, इनके अंदर कुछ भी नहीं है, जिनके घर जाते हैं घर मांग कर खाना पीना, मुसर समुदाय घर बैठ कर बच्चों के साथ मिलकर खाना पीना सब होता है, बहुत अच्छी तरह इनको सब मुसर समुदाय के लोग जानते हैं। मैं एम ए करके मैं नौकरी के लिए नहीं दौड़ा, इसलिए कि अगर बाहर अगर नौकरी लग जाता तो बाहर जाते, फिर गांव का विकास नहीं हो पाता, तो गांव पर नहीं विकास होता। जैसे हम पढ़े लिखे हैं तो हमारे गांव में जितने भी बच्चे उन लोगों को भी तो पढ़ाएंगे लिखाएंगे, शिक्षा इस समय बहुत जरूरी है। मुसर समुदाय के बच्चे हैं वो पढ़ते नहीं हैं, ज़्यादातर ड्रॉप आउट बच्चे हो जाते, स्कूल आउट बच्चे हो जाते हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमेशा 2 घंटा हमेशा गाँव में ट्यूशन कराते हैं, बच्चों को समझाते हैं, उनके माता पिता से मिलते हैं कि देखिए सब ज्यादा आगे बढ़ गया है, मुसर समुदाय के वंचित मुसर के बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं। देखिए तो कोई बिजनेस भी करेगा, कोई धंधा भी करेगा, मान लीजिए अच्छा कोई दुकानें खोल के बैठ जाएगा, पढ़ेगा तभी तो, अगर नहीं पढ़ेगा तो कुदाल चलाएगा गाँव में जाकर।
वो लोग आए तो पहले हम लोग को समझाए कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, शिक्षा ही जरूरी है जीवन में। तो उसके बाद से तो हम लोग मतलब हम लोग तो पहले जागरूक हुए, पहले हम लोग भी पढ़ाई नहीं करते थे, दूसरे किसी को क्यों समझाने जाए। पहले खुद हम लोग पढ़ाई नहीं करते थे कि पढ़ाई क्या है, तो हम लोग पढ़ाई करना खुद ही मतलब जाने लगे उसको, तो समझे कि जीवन में पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो उसके बाद से हम लोग मुसहर बस्ती में जा जाके मुसहरों लोग को समझाने लगे, देखिए आप लोग अपने बच्चों को भेजिए पढ़ने के लिए शिक्षा। तो लोग मतलब कहते थे कि हम लोग पढ़ाई कैसे मतलब पढ़ने के लिए भेजेंगे, बकरी करी लकड़ी करी लाते हैं ना जंगल से, कौन लाएगा। तो हम लोग समझाए कि आप लोग ये सब काम करिए और बच्चों को स्कूल भेजिए। तो फिर से बात आई कि बच्चों को चुरा लेके जाएगा कोई, कौन जिम्मेवारी लेगा। तो हम लोग खुद ही जिम्मेवारी लिए और बच्चों को स्कूल ले जाके लगे छोड़ने, लेके जाते थे भी लेके आते थे भी घर पे, ऐसे करते करते तो खुद ही मतलब बच्चे आने जाने लगे। तो अब हम लोग यहाँ मतलब बहुत परिवर्तन हो गया है। हो बिगड़ल मिजाज सबके जलिमा जवाना, हो बिगड़ल मिजाज सबके जलिमा जवाना, दहेज के नाम पर लूटात बा खजाना। हो लाचार बाप हो जावे, हो लाचार बाप हो जावे, कंगाल बाबूजी हम तो पढ़े जाई, जाई बना ससुराल बाबूजी। ये महिला और जो लड़कियां हैं वो इस तरह के सपने देखती हैं कि जो हमारी मतलब अंदर की ताकत है उसको हम समाज के आगे दिखाएं और अपना एक पहचान अच्छा सा बनाएं और अपना खुद का एक मतलब जो भी कारोबार हो वो खुद का एक व्यवसाय करें। जब से शुरू किया है तब से ये लोगों के अंदर बहुत बदलाव आया है और ये लोग खुद अपने अधिकारों को लेने के लिए जिले और राज्य स्तर पर भी जाने लगी हैं ये महिला। बहुत बदलाव आया मैडम जी, जैसे कि मान लीजिए पहले महिलाओं पर हिंसा था, आई हम लोग आपस में संगठन बनाए हैं तो महिलाओं को समाज में सम्मान मिल गया है, समाज में सम्मान मिल गया है। आज संगठन के माध्यम से हम लोग आपस में एकत्रित होकर हर जगह हर मंजिल को चाहते हैं उसको उस कदम को पकड़ ले, वो कदम पर पहुंच चुके हैं लेकिन कुछ ही समय बचा है, लेकिन भगवान मदद करे हम अपना पग अपना संघर्ष नहीं हारेंगे। जीव में प्रतिज्ञा की हूँ कि मैं वो मंजिल ही पाकर अपना सफलता प्राप्त करूँगी, क्योंकि मेरा तो जीवन कुछ बीत चुका है, मेरे बच्चे के, मेरे गांव वाले के हैं, मेरे समाज के हैं, मैं समाज में ही सम्मान चाहती हूँ। मैं अपने परिवार के साथ, गाँव के साथ, समाजों के साथ, समाज ही हमारा जीवन है, सम्मान ही हमारा जीवन है। जब मैं अपने भाइयों को लेकर के स्कूल गई और मेरे पिताजी ने तब बोला था कि नहीं नहीं मुझे इसको नहीं पढ़ाना है, मुझे तो सिर्फ दोनों बेटों को पढ़ाना है, तब मेरे शिक्षक ने बोला कि नहीं नहीं इसको भी पढ़ाना है और इसको मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। ये चीजें मुझे इतना दिल को छू गई कि अगर एक व्यक्ति मुझे पढ़ा सकता है तो मैं क्यों नहीं हजारों लाखों लड़कियों को पढ़ा सकती हूँ। और मैंने वहीं से ठाना कि मुझे भी कुछ पे बैक टू सोसाइटी, जो बाबा साहब ने कहा था, उस चीज को मैंने याद किया और उससे मैंने सोचा कि उस पॉइंट को मैं और जगहों पर इसको रिप्लिकेट करूंगी और हजारों लाखों लड़कियों के लिए मैं एक मिसाल बनूंगी, और वो मैं कर रही हूँ। अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी महिला से जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की मिशन में जुटी है। लखनऊ की रहने वाली नीलिमा पांडे ग्रामीण महिलाओं को रोजगार की राह दिखा रही है। नीलिमा का दावा है कि वो अब तक 36,000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बना चुकी हैं। उनका टारगेट है कि वो अगले 2 साल में 5,00,000 महिलाओं को काम दिलाएं और उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूत बना सके।
किराए पे रहते थे हम लोग एक घर में, तो वहाँ पे एक लड़की थी जो हमारे मकान मालिक की बेटी थी, उनका वो किसी से प्रेम कर बैठी थी और शायद 10वीं या 11वीं कक्षा में थी, उनके ढूंढने के लिए उनको चली गई। तो ऑब्वियसली परिवार में ऐसे लगा, बड़ा समाज का मतलब कहते हैं ना कि लड़की भाग गई और बड़ा प्रवंचना हुई। मेरी माँ उसको बहुत प्यार करती थी, एक तरीके से मेंटोर थी उसकी, और वो जब वो मिल गई तो पुलिस में खबर हुई, जब मिल गई लौट के आई तो मेरी माँ ऊपर ऐसे जाल होता है अगर आप देखें तो, मेरी माँ उसको देख रही थी तो उसने माँ को हाथ जोड़ा, तो माँ ने सोचा बस, माँ ने ऐसे कहा तुमने क्यों किया ऐसे, मैं ऐसे खड़ी हूँ और मैं देख रही हूँ इशारों में बात हो रही है, और फिर उसने आत्मदाह कर लिया। तो मुझे ये लगा कि इतनी कमजोर लड़की कैसे हो सकती, कि ईश्वर के दिए हुए शरीर जीवन को नष्ट कर सकती है सिर्फ समाज की प्रवंचना के लिए। ये ताकत यहां क्यों नहीं है कि अगर मैं सही हूं तो मैं सही हूं, कोई कुछ भी कहे। बस अपने लिए तो हर कोई सपना देखता है, लेकिन जो लोग दूसरों के लिए सपने संजोते हैं वो वाकई खास होते हैं। इसी की मिसाल है नीलिमा पांडे। दिखने में जितनी सौम्य और सरल लगती है, आवाज और दिल उससे कहीं ज्यादा इंसानियत से भरा है। आम लोगों की तरह नीलिमा पांडे को भी अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। आर्थिक मुश्किलें भी आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर उन्होंने जब इस मुश्किल से पार पाया तो सोचा कि क्यों ना दूसरी महिलाओं को भी रोजगार दिलाने में मदद की जाए, ताकि वो भी अपने परिवार के लिए सहारा बन सके। तक आप कितनी महिलाओं को रोजगार उत्पन्न करा चुके हैं, और वो पहली महिला याद है जिसको आपने समझाया था कि जिंदगी में काम करना कितना जरूरी है? घर से शुरुआत हो गई थी, घर से शुरुआत हुई। आई थिंक मैं खुद मेरे अपने घर में जब मैं पढ़ रही थी तो सोच चुकी अलग थी, और वो साइकोलॉजी पढ़ने के कारण बहुत अलग हो गई। तो घर से शुरुआत हुई, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले मेरी बुआ थी जिनको मैंने कहा था कि आप अपना कुछ करिए, और उसके बाद पढ़ करके निकले तो मेरी बहुत सारी सहपाठी नहीं थी जिनकी शादियां होने वाली थी, तो यही कहा था भाई शादी करो लेकिन नेगोशिएट कर लो कि अपना कुछ करती रहना। फिर जब डेवलपमेंट सेक्टर ज्वाइन किया तो मंगोलपुरी सुल्तानपुरी, पता नहीं आपने वो रिसेटलमेंट कॉलोनी देखी है दिल्ली में, जरूर देखी होगी, तो वहां पर लगभग 36,000 महिलाओं के साथ हमने काम किया। बहुत कठिन था लेकिन उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन पे काम किया, उनको आर्थिक जो प्रोडक्ट है माइक्रो फाइनेंस से जोड़ा, और बहुत सारी लड़कियों ने, बहुत सारी यंग महिलाओं ने वहां पर अपने, जैसे ये कह रही हैं कि बिजनेस शुरू करना है, बिजनेस शुरू किए, अपने ड्रेस डिजाइनिंग के काम शुरू किए, सॉफ्ट टॉय के काम शुरू किए, और मतलब बाकायदा ब्रांच रिटेल में गए, ब्रांच बनाई, तो वो बहुत सिखाया उन्होंने। तो लंबा सफर रहा है, मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने कितनी महिलाओं से खुद मैं इंस्पायर हुई हूँ। सच्ची बात यह है कि ये बड़ा टू वे प्रोसेस है, तो जब भी मैं किसी से बात करती हूँ तो जैसे अभी भी बात करें तो मैं भी बहुत इंस्पायर होती हूँ। बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने मुझे भी आगे बढ़ने के लिए, कई बार मैं भी थकी हूँ, मैं भी टूटी हूँ मेरी अपनी जिंदगी में भी, लेकिन उनके कारण मैंने भी इस काम को जारी रखा है और अपने अंदर भी वो बदलाव लगातार चल रहा है। आप कई सारे बच्चों से बात कर रही थी, और कोई जो है कहता है कि मैं अपना रेस्टोरेंट खोलना चाह रहा हूँ, कोई कह रहा है कि मैं जो हूँ वो बिजनेस करना चाहता हूँ। आपको देख के लगता है कि आज की डेट में युवा जो है वो स्टार्टअप्स के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं? आमतौर पे जब 10 साल पहले 15 साल पहले लोग सोचते थे किसी को जो है सरकारी नौकरी ज्वाइन करनी है, किसी को एमबीए करना है, लेकिन यहाँ 10-15 बच्चे जितने हैं वो सभी सब स्टार्टअप्स कर रहे हैं। सोच बदल रही है आप लोगों के जरिए? बहुत बहुत अच्छी तरीके से सोच बदल रही है। तो मेरा, अगर आप मुझे कहिए, मेरा होप यूथ है। अगला जो मतलब भारत को अगर कोई संभालेगा और निर्माण करेगा तो यूथ है। लोग कहते हैं उनका वो भटके हैं, व्यवस्थित नहीं है, मुझे लगता है उनके अंदर बहुत ताकत है। सवाल है आप उस ताकत को पहचान लीजिए, और उद्यमिता है जो भारत को अगले पैमाने पे ले जाएगी, अगले स्तर पे ले जाएगी, और उद्यमिता का विकास हो रहा है। भविष्य की प्लानिंग क्या है? क्योंकि जब आप कुछ एक लाइन खींचते हैं तो आपको तय करना पड़ता है कि आखिर अब इससे आगे कुछ करना है, तो फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, क्या सोचा है आपने? तो 2-3 बहुत अच्छे विचार ऐसे बन रहे हैं, आप ये कह सकते हैं कि काफी कुछ प्लान तो धरातल पे भी आ गया है। तो सरकार बहुत प्रयास कर रही है महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने का, तो आजीविका मिशन के अलग अलग तरीके से सेंट्रल स्कीम के हिसाब से स्टेट पे भी बहुत सारा उसमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है।
तो हम ये कोशिश करें कि फेलोशिप से जो भी सीख रहे हैं इसको क्या हम आजीविका मिशन के साथ जोड़ करके एक बड़े पैमाने पे महिलाओं के साथ काम कर सकते हैं, खासकर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर वैसे ही इंडिकेटर्स बहुत लो हैं। तो वो एक धारा है। दूसरा ये है कि हम हाइपर लोकल एनजीओस को अपने साथ जोड़ रहे हैं, तो क्या उनके साथ जो वॉलंटियर बेस एक क्रिएट कर सकते हैं जहां लड़कियां सीखें, समाज सेवा से भी जुड़े और अपने लिए भी कुछ करें। इसके अलावा एक चीज जो मैं कहना चाहती हूं, शायद आपके माध्यम से लंबे बड़े जगह तक पहुंच पाएगी, वो ये है कि मैं आज यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारे ऐसे पुरुषों का साथ रहा है जिनकी सकारात्मक सोच रही है, जो ये चाहते हैं कि महिलाएं आगे आए, महिलाएं मुख्य धारा से जुड़े, जो बहुत अच्छे पिता, भाई, बहन, दोस्त हैं। तो मेरी अगला जो चरण है वो ये है कि मैं स्त्री पुरुष के बीच में संवाद के ऊपर काम करना चाहती हूँ। ये सफर शुरू कैसे हुआ और अभी कहाँ पहुंचा है? तो मुझे ऐसे लगता है कि सफर की शुरुआत मेरी माता जी के बहुत बड़े मेरी शिक्षा से हुई, क्योंकि उस समय जब मैं बड़ी हो रही थी तो आप पता नहीं, आपको उस समय पता नहीं होगा, 1970 से लेकर के 95 तक के बीच में बहुत डाउरी डेथ्स होती थी। तो माता जी हमेशा उन जब भी वो अखबार पढ़ती थी तो हम लोग की तरफ देख करके कहती थी कि अगर जिंदगी अपनी शर्तों पर जीनी है तो शिक्षा और रोजगार चाहिए होगा। आर्थिक रूप से तो वो हिंदी बोलती थी कि पढ़ करके कुछ कमाओ तभी अपनी शर्तों पे जी पाओगी। तो वो मेरे अंदर ऐसे जैसे घुट्टी बना के उन्होंने पिला दिया। थैंकफुली पिताजी भाग्य से ऐसे मिल गए कि पूरे परिवार के प्रति उन्होंने पूरा सारा दबाव बर्दाश्त किया, बोले जितना पढ़ना है पढ़ो, तो पढ़े और खुद की जिंदगी में इतना बदलाव देखा कि एक ये मिशन तो बन ही गया था। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं मैं, तो मुझे ये मालूम है कि आप जिसके साथ भी थोड़ा सा जुड़ जाएंगे उसके अंदर की शक्ति को आप बाहर निकाल सकते हैं। तो लड़कियों के साथ क्योंकि कोई जुड़ता नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे साथ लगातार बहुत अच्छे लोग जुड़े, तो वो माहौल, वो इन्वेस्टमेंट, वो इनपुट लड़कियों को दें ताकि वो अपने शर्तों पे जी पाएं। तो कहते हैं कि सोच बड़ी हो, आत्मविश्वास बड़ा हो, जिंदगी में मुकाम बड़ा हासिल तो हर कोई कर लेता है, लेकिन रास्ता आपको तय करना है कि आपको किस रास्ते पर आगे बढ़कर दूसरों के लिए कुछ करना है। और शायद कुछ ही लोग होते हैं जो इस मंजिल को पा भी लेते हैं और उस मंजिल की राह में तमाम कांटे जो हैं चुभ जाने के बाद भी आगे बढ़ते रहते हैं। दिव्यांग बच्चे, वो बच्चे जो शारीरिक और मानसिक तौर पर कमजोर होते हैं, ऐसे बच्चों को अक्सर उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है, जबकि इन बच्चों पर सही तरीके से थोड़ी मेहनत की जाए तो ये स्पेशल बच्चे भी काबिल बन सकते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, परिवार पर बोझ की बजाय उनका सहारा बन सकते हैं। मध्य प्रदेश में उज्जैन का मनोविकास संस्थान इसी मिशन को लेकर वर्षों से काम कर रहा है। संस्थान की मेहनत का नतीजा है कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे अपने दम पर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। संस्था एजुकेशन और रिहैबिलिटेशन, ये मेन हेडिंग है, हम बात कर सकते हैं। जो बच्चे जो बौद्धिक निशक्त दिव्यांग बच्चे हैं, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल दिव्यांग बच्चे हैं, उनको उनके रिहैबिलिटेट करना, उनको पुनर्वास करना, ये हमारा लक्ष्य होता है। तो उसके लिए हम लोग काम करते हैं। तो मेन फोकस हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बच्चों के लिए है, लेकिन साथ में हम लोग डफ ब्लाइंड, जो बच्चा डफ और ब्लाइंड टुगेदर है, उनको भी काम करते हैं। और हम लोग कुछ CBR प्रोग्राम, जो कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम करते हैं, उसमें सारी डिसेबिलिटी के लोगों को हम काम करते हैं। और हमारे चार डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है, मध्य प्रदेश में चार डिस्ट्रिक्ट में। एक उज्जैन है, उज्जैन में हेड ऑफिस, ये हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस में उज्जैन में है। और शाजापुर एक डिस्ट्रिक्ट है, राजगढ़ एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, और आगर मालवा एक दूसरा 14 डिस्ट्रिक्ट। ये चार डिस्ट्रिक्ट में हम लोग काम करते हैं। टोटल हमारे पास लगभग 700
स्टूडेंट्स है जो विद स्पेशल नीड्स। प्री प्राइमरी सेक्शन से हम काम शुरू करते हैं। प्री प्राइमरी में बच्चे 3 साल से हमारे साथ आ जाते हैं, स्कूल में एडमिट हो जाते हैं। 3 साल में फिर हर प्री प्राइमरी के बाद प्राइमरी में बच्चे जाता है। 3 साल प्री प्राइमरी रहने के बाद फिर प्राइमरी में जाता है, वहाँ पे भी 3 साल लगेगा उनको सेकेंडरी में जाने के लिए, और वहाँ 3 साल लगेगा वो प्री वोकेशनल ट्रेनिंग में जाने। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम है, मतलब प्री प्राइमरी से लेकर प्री वोकेशनल तक वो हमारा एजुकेशन सिस्टम में आता है। प्री वोकेशनल होते हुए जो व्यक्ति 18 साल हो जाएगा, 18 साल के बाद वो वोकेशनल ट्रेनिंग में जाते हैं, जो वो कोई ना कोई स्किल वो सीखता है, या तो फाइल मेकिंग सीखता है, या मोमबत्ती बनाना सीखता है, या अगरबत्ती बनाना सीखता है, या एनवेलप बनाना सीखता है, फाइल बनाना सीखता है। अलग अलग ट्रेड में उनकी जो रुचि के अनुसार, क्षमता के अनुसार हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। बच्चों के लिए शुरुआत करी सर्वे के दौरान, हमने सर्वे से करी, भैरूगढ़ एरिया है वहाँ से हमने शुरुआत करी। तो हम लोग जब सर्वे के लिए जाते थे तो बहुत सारे पेरेंट्स तो आसानी से भरवा देते थे फॉर्म वगैरह, लेकिन कुछ पेरेंट्स तो हमको बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करते थे, क्योंकि कई लोग आते हैं फॉर्म भर के ले जाते हैं और चले जाते हैं, होता कुछ भी नहीं है, बोले फालो हमारे बच्चों का बार बार मजाक उड़ाते हैं ये करके, ऐसे करके हमें भगा दिया जाता था। और कुछ पेरेंट्स भरवा देते थे हम लोगों से फॉर्म, फिर हम लोग आके फादर को रिपोर्ट देते थे, फादर को बताते थे कि इस तरह से आज हम लोग फॉर्म भरने के लिए गए, तो फादर और कुछ जो हमें मना कर देते थे, भगाते थे, तो हम फादर को बोलते थे, तो फादर बोलते थे कि नहीं अपना काम है कि वहाँ पर जाना है, बार बार जाएंगे, उन्हें समझाएंगे और इसके बाद में कभी तो उनको समझ में आएगा। तो हम लोग बार बार जाते थे उन लोगों को समझाने के लिए, फिर भी हमें वो भगा देते थे। कई पेरेंट्स ऐसे थे कि हमको कॉपरेट करते थे, और कुछ पेरेंट्स ने तो बाद में भी हमें कॉपरेट नहीं किया, और स्कूल खुलने के बाद में फिर वो लोग अपने बच्चों को लेकर स्कूल में एडमिशन के लिए आए कि मतलब ये बच्चे भी कुछ कर सकते हैं, मतलब इनका स्कूल है, ये स्कूल जा सकते हैं, इस तरह से हमारा पूरा कार्यक्रम। कभी कभी साल में 50 रुपये 60 रुपये से दे पाते, लेकिन हम लोग का लक्ष्य यही है कि जो अच्छे काम करते हैं उनको प्रमोट ज्यादा करें, उनको अच्छा पेमेंट कर रहे। अब यह है कि कुछ लोग समझते हैं कि ये हमारा कर्म का फल है, हमारे देश में तो कर्म का जो अवधारणा है वो ज्यादा मजबूत, तो हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, या हमारी पुराने मतलब पूर्व जन्म में हमने बहुत सारे कुछ किया होगा, हमसे गलती हुई, इसका फल हो सकता है। कुछ लोग उल्टा भी सोचते हैं ये देवता है, देवता का भी दर्जा देते हैं, उनको घर पे रखते हैं, पूजते हैं उनका, वो इस तरह से भी व्यवहार करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये चीज हम लोग ज्यादा देखते हैं जो लेडीज मदर्स होते हैं, माँ लोग होते हैं, उनके ऊपर ज्यादा वो आ जाता है कि शिकायत आता है कि उनकी वजह से ही बच्चे ऐसा हुआ है। एक बच्चा था सर, वो लोग उसका एक कहारवाड़ी का एरिया था, हम लोग उनके घर जाते थे, वो हमेशा उसको बांध के रखते थे अलग। तो वो जैसे ये बच्चे अपनी
अपने को लगता है कि इनका समस्या व्यवहार है, मतलब ये हरकतें कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी बात को व्यक्त करने का उनका एक तरीका रहता है, क्योंकि वो बोल नहीं पाते, समझा नहीं पाते, लेकिन अपने को वो चीज समझ में नहीं आती, तो इस कारण से वो कुछ उठा उठा के फेंक के कुछ बताने की कोशिश करते थे, तो उसको बांध के रखते थे। बार बार जब हम लोग जाते थे तो हम लोग उसके हाथ वगैरह खुलवा के, हम लोग क्योंकि हमारा टर्न रहता था, हम लोग हफ्ते में हर हफ्ते अलग अलग एरिया में जाते थे, तो जब जाते थे वो बच्चा हमें देख के बहुत खुश होता था, क्योंकि हम उसके हाथ वगैरह खुलवा के उसको बुला के बिठाते थे, और फिर उनके पेरेंट्स को भी समझाते थे ऐसे करके उनको। फिर हम लोगों को फादर ने TLM दिया था कुछ एक्टिविटी करवाने के लिए, फिर हम लोगों को उनको TLM से उस बच्चे को एक्टिविटी वगैरह करवाई, पेरेंट्स को समझाया था, पेरेंट्स को भी समझ में आया, बाद में वो बच्चा स्कूल भी आने लग गया था। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि रिहैबिलिटेशन शब्द हम यूज करते हैं, हम रिहैबिलिटेशन जब बोलते हैं कि अलग अलग प्रकार का रिहैबिलिटेशन, एक इकोनॉमिकल रिहैबिलिटेशन वो महत्वपूर्ण है, जब तक बच्चे थोड़ा सा प्रोडक्टिव मेंबर सोसाइटी के या फैमिली के प्रोडक्टिव मेंबर नहीं बनते हैं तब तक उनको इज्जत नहीं मिलती है। मतलब प्रोडक्टिव मतलब मेंबर मतलब कि वो भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करे, केवल वो कंज्यूमर नहीं, मतलब पापा बना कमा के लाते हैं, पापा जो या मम्मी बना के रखती है वो खा लेता है और वो पड़े रहते हैं, वो हालत में कोई इज्जत नहीं करते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये बच्चा भी एक पार्ट ऑफ फैमिली, एक इज्जत वाला मेंबर बने, उनको भी इज्जत मिले, वो फैमिली में एक प्रोडक्टिव मेंबर बने, वो कॉन्ट्रीब्यूट करने वाले को, वो हम लोग चाहते, वो हम इसी चीज को हम रिहैबिलिटेशन बोलते हैं, कि वो एक प्रोडक्ट केवल कंज्यूम करने वाला व्यक्ति ना हो, वो प्रोडक्टिव मेंबर बने, तो हम रिहैबिलिटेशन का हमारा लक्ष्य है, तो वो अपने व्यक्ति अपने क्षमता के अनुसार वो काम करे, प्रोडक्टिव बने, समाज को भी दे। हम लोग वैसे भी बच्चों को ट्रेनिंग करते हैं कि समाज को भी कॉन्ट्रीब्यूट करना है, केवल आप खुद के लिए नहीं, समाज के लिए, क्योंकि आपने समाज को से बहुत कुछ लिया है, तो समाज को भी, समाज के लिए भी कॉन्ट्रीब्यूट करें जितना क्षमता है उसके हिसाब से। हम लोग अभी इनको फाइल मेकिंग मेन हमारा टारगेट है, क्योंकि हम लोग इस उज्जैन में जितने डिमांड है लोगों के, उसके हिसाब से हम लोग ऑर्डर लेते हैं बैंक से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, साउथ इंडियन बैंक, इस तरह से बैंक से हम लोग ऑर्डर लेते हैं, फाइल बनाते हैं, और स्कूलों से हम फाइल मेकिंग का काम लेते हैं। इनको देखो अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग क्षमता है, हर रुझी अलग अलग होती है, ऐसे सामान्य जो लोग होते हैं, हमारा भी पता है, हमें सामान्य जो लोग हैं उनका भी रुझी अलग अलग होती है, इनको भी रुझी है कुछ चीजें। अब अगर बच्चे हैंड, उनका हाथ बहुत अच्छा है, तो वो हाथ से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जैसे फाइल मेकिंग अच्छे से कर सकते हैं, मशीन में कटिंग कर सकते हैं, और अगर कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में आगे जाता है अच्छे से, स्पोर्ट्स में या बैडमिंटन खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, रनिंग करते हैं, एथलेटिक्स में अच्छा काम करते हैं, इस तरह से अच्छा काम कर सकते हैं, तो हर बच्चे को बस ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग से वो अपने फील्ड में अच्छे काम कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश है कि 18 साल से जब इस वर्ग के वोकेशनल में बच्चे जाते हैं, 3 साल 4 साल या 5 साल जितने भी लगते हैं, इसके बाद वो प्रोडक्टिव बने। वो बहुत सारे हमारे जो बच्चे हैं जो पुराने 20-25 साल से जो हमारे जो बच्चे काउंट देखते हैं, हर साल हमारे 10-8-10 बच्चे से निकल जाते हैं यहाँ से, और घर पे कुछ काम करते हैं, खेती करते हैं, या कोई शॉप में काम करते हैं, या कोई कंप्यूटर में काम करते हैं, या खुद की शॉप है वहाँ पे भी वो काम करते हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 2011 में एथेंस के अंदर दीपक शर्मा ने बास्केटबॉल में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, और हम लोग गोल्ड मेडल के साथ वहाँ से वापस लौटे, तो भारत को ऊँचा ले जाने के लिए, शिखर को और अधिक उन्नति पर, दीपक शर्मा जो कि स्पेशल एथलीट है, इन्होंने अपनी भूमिका पूर्ण रूप से निभाई। साथ ही अभिषेक विश्वकर्मा जो कि एक अच्छे एथलीट हैं, 100-200 मीटर रेस के अंदर इन्होंने अमेरिका में 2015 में लॉस एंजल्स के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व किया, और ऑल ओवर वर्ल्ड में 150 देशों में इनकी 6th प्लेस रही। तो ये दोनों उदाहरण आज आपके सामने इस तरह से मैं दे पा रहा हूँ कि मनोविकास विशेष विद्यालय के दोनों छात्र लगातार प्रयास कर रहे हैं, और साथ ही अगर इन बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाए तो निश्चित रूप से न केवल खेल बल्कि सांस्कृतिक स्तर पर और शैक्षणिक स्तर पर भी ये बच्चे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। आज समाज में बहुत बदलाव आ चुका है,
अभी इतना नहीं सोचते, अभी जल्दी मतलब जन्म लेने 40 दिन बाद, मतलब जन्म से 40 दिन बाद भी अगर पेरेंट्स को लगता है कि इसमें कुछ समस्या है या कुछ समस्या होने की संभावना है तो बच्चे को लेके मनोविकास आते हैं। बच्चों को ट्रेनिंग दे, उनको स्किल सिखाए, केवल व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूट करने से या हियरिंग एड डिस्ट्रीब्यूट करने से कुछ होना नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन उनको ट्रेनिंग दें, बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षा के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। शिक्षा देने से बच्चे एक अच्छे लेवल पे आ जाता है, और 90 मैंने कहा कि 90% बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्पेशल नीड व्यक्ति होते हैं, वो 18 साल तक अच्छे से ट्रेनिंग देंगे तो वो अपने पाँव पर खड़े रहें, अपने काम करने लायक बन जाता है। तो हम लोग फ्यूचर हम लोग एक रिहैबिलिटेशन सेंटर की हम प्लान कर रहे हैं, जहाँ ये लोग या हम लोग इसको बोलते हैं कि शेल्टर्ड वर्कशॉप, वहाँ पे ये लोग आएंगे, मिलके ग्रुप में काम करेंगे और ग्रुप में काम करके वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप काम करेंगे, वो काम करेंगे, वो अपने जो भी एक्सपेंस है वो मीट करेंगे और उसमें जो भी उनका मिलता है, लाभ मिलता है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लंच हो या डिनर, एक रुपए में भर पेट खाना खाइए। ये सुनकर आप भले यकीन न करें, लेकिन मध्य प्रदेश के विदिशा में कुछ बुजुर्गों की पहल से ये मुमकिन हो रहा है। विदिशा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सार्वजनिक भोजनालय सेवा समिति पिछले करीब 40 साल से ये सेवा दे रही है। अस्पताल में आने वाले मरीजों के तीमारदारों को इस सेवा से बड़ी राहत मिलती है। उन्हें सिर्फ अपने मरीज के इलाज पर ध्यान देना होता है, न कि अपने खाने पीने पर। मैं डॉक्टर जीके महेश्वरी, सार्वजनिक भोजनालय सेवा समिति विदिशा, जो कि विगत 39 वर्ष से जिला चिकित्सालय में आने वाले मरीज एवं उनके परिजनों की भोजन सेवा के रूप में मात्र 1 रुपए में भोजन, भरपेट भोजन, दलिया एवं खिचड़ी की व्यवस्था दान के द्वारा नगर के और अन्य जगह के दानदाताओं के द्वारा जो दान प्राप्त होता है उसके द्वारा यह संस्था यह सेवा का कार्य पूर्ण करती है। यह संस्था प्रातः 11 बजे और सायंकाल 6 बजे मरीजों एवं मरीजों के परिजन जो उनकी सेवा करते हैं उनके भोजन की व्यवस्था के लिए 1 रुपए में भोजन दोनों टाइम कराती है। सुबह के टाइम करीबन 250 व्यक्ति भोजन करते हैं, शाम के टाइम करीबन 100 व्यक्ति भोजन करते हैं, वहीं करीबन 50-55 लोग दलिया या खिचड़ी लेते हैं और 5 रुपए में मीठा गरम करीबन 200 रुपए नवजात शिशु एवं गर्भवती महिलाओं को संस्था के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। यह कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारी संस्था के स्वयं सेवक सुबह 7 बजे जिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज में जाकर हर बेड पर आवाज देते हैं कि भोजन की पर्ची ले लो। अधिकांश मरीजों को, क्योंकि यह संस्था 39 वर्ष से चल रही है तो मालूम है कि इस समय पर्ची देने आएंगे तो 1 रुपए में वह पर्ची अपनी कलेक्ट कर लेते हैं और 11 बजे बिल्कुल समय पर इस भवन में आकर भोजन करते हैं। इसी प्रकार शाम को 3:30-4 बजे हमारे स्वयं सेवक हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज में जाकर सुबह की तरह ही यह पर्ची बांटने का कार्य करते हैं।
मेरा नाम आशा है, सांची से हूँ मैं। मेरी दीदी एडमिट है यहाँ पे, तो ये खाने माने की बहुत दिक्कत आती है, तो यहाँ पे ये खाना मतलब अच्छा मिल रहा है, जो दाल चावल है, दलिया भी मिल जाता है मरीज लोगों के लिए। ये 1 रुपए की पर्ची कटती, बस उतने में मिलता है, भरपेट खाना मिल जाता है यहाँ पे। मेरा नाम कुसुम विश्वकर्मा है, 1.5 महीने से भर्ती हूँ। पति को चोट लग गई है, ऑपरेशन हुआ है और झाई पे रह रहे हैं हम सब। खाना भी झाई मिल रहा है, अच्छा बन रहा है खाना, दाल चावल खीर पूड़ी दो दो सब्जी सब चीज मिलती है, बहुत अच्छा खाना मिल रहा हमें। नहीं तो हम तो अकेले ही थे, कम का करते, जहाँ कोई घरे भी नहीं है। तो आज से करीबन 39 साल पूर्व विदिशा शहर के कुछ समाज सेवियों ने जब ये देखा कि मरीज अपने जो हॉस्पिटल में एडमिट है और उनकी सेवा करने वाले उनके भोजन को हॉस्पिटल कैंपस में वो भोजन बनाते थे, हाथ से लकड़ियां इकट्ठी करते थे, तो यहाँ के समाज सेवियों के विचार ये आया कि क्यों ना इनकी व्यवस्था अपन करें, जिससे ये अपने मरीज की पूर्णतया अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं। तो यह संस्था इस उद्देश्य को लेकर प्रारंभ हुई। वहीं शहर में जो भिक्षावृत्ति चालू थी उसको खत्म करने के लिए यहाँ के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को 1 रुपए में 1 पर्ची देकर और उनसे निवेदन किया जाता था कि आप भीख मांगने वाले को रुपया या नगद रूप में ना देकर आप पर्ची के रूप में उनसे भोजन करने का कहें। इस विचार को लेके यह संस्था प्रारंभ की गई थी। जब ये विचार हमारे वरिष्ठ समाज सेवियों के मन में आई तो यहाँ के जो समाज सेवी थे 12-15 लोगों की आपस में बैठकर चर्चा हुई कि अपने यह व्यवस्था करना चाहिए, अपन कैसे इसके लिए कर सकते हैं। तो जो किराने वाले थे उन्होंने बोला कि हमारी तरफ से दाल नमक तेल फ्री दिया जाएगा जब तक आपकी व्यवस्था ना हो। गेहूं वाले थे जो यहाँ पे गेहूं का काम करते हैं, क्योंकि विदिशा मंडी गेहूं की प्रसिद्ध मंडी है, तो उन व्यापारियों ने अपनी तरफ से गेहूं दान देने का बोला। जब किसानों को मालूम पड़ा कि इस ढंग का भी विचार आ रहा है तो उन किसानों ने भी अपनी तरफ से संस्था को गेहूं दान देने का आश्वासन दिया और इस प्रकार से यह व्यवस्था प्रारंभ हुई। अस्पताल में सिर्फ मरीज कष्ट में नहीं होता है, बल्कि उसके साथ है उसके परिवार वाले, उसके परिजन उसको देखकर ज्यादा कष्ट में होते हैं, क्योंकि अस्पताल में उनका कोई अपना दर्द से तड़प रहा होता है, बिलख रहा होता है। उसके बाद भी जब उनके पेट तक 2 वक्त की सुकून की अच्छी रोटी ना पहुंचे तो ये दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। परिजनों के इसी दर्द को इस संस्था ने समझा और 39 साल से लगातार सुबह शाम महज 1 रुपए में इतना अच्छा खाना उन तीमारदारों को दिया जा रहा है। कोशिश लगातार जारी है, लेकिन अब भी संस्था के लोग यही चाहते हैं कि इस तरह का काम, इस तरह की थाली 1 रुपए में हर शहर हर जिले में मिले, ताकि मरीज के साथ साथ उसके तीमारदार की समस्या और दर्द भी कम हो सके। आज के लिए बस इतना ही। गुड न्यूज टुडे पर कल रात 9 बजे फिर आऊंगी देश की बात सुनाने। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।